विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ 18 अक्टूबर से होगा और ये अभियान 17 नवंबर तक चलेगा। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कैंप कार्यालय पर बैठक ली। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तृतीय चरण को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के कार्य एक और दायित्वों का निर्धारण करते हुए अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि विगत 3 वर्षों की भांति वर्ष 2021 में भी संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान चलाया जाना है। माह जुलाई 2021 के अभियान की भांति माह अक्टूबर नवंबर 2021 में संचालित किए जाने वाले दस्तक अभियान में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रत्येक मकान पर क्षय रोग से संभावित रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा क्षय रोग के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति का नाम तथा मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण एक लाइन लिस्टिंग फॉर्मेट में अंकित कर एएनएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए सभी विभाग व्यवहार परिवर्तन तथा प्रचार प्रसार के लिए व्यापक योजना बनाए जिससे जन सामान्य तक सभी जानकारियों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जनपद स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर समन्वय समितियों का गठन कर नियमित अंतराल पर विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों का निष्पादन तथा जनपद में विभिन्न रोगों की स्थिति की समीक्षा हेतु समितियों की बैठक आयोजित कराई जाए।